नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि एसटीएवी की जो पोस्ट है उसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं इसका एग्ज़ाम जो है 15 से 18 दिसंबर के बीच होने वाला है और इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ये है दोस्तों डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दे दी है। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर दो पार्ट से गुजरना पड़ेगा, यानी कि टायर 1 और टायर 2 में। उसके बाद आपका आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो टायर 1 और टायर 2 की जो टेस्ट हैं आपके CVD बेस होने वाले हैं इस बार। लास्ट बार दोस्तों ये ऑफलाइन हुए थे, इस बार से नया पैटर्न भी चेंज किया है। दो पार्ट्स में ये एग्ज़ाम करा रहे हैं, टायर 1 टायर 2, और इन्होंने CVT वेज भी कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और ये सारे इनके जो क्वेश्चंस आने वाले कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि MCQ, और जो इनका सिलेबस है दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ आगे, तो देखते रहिए। और जो इनका जो मीडियम है एग्ज़ाम का, वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है दोस्तों। जो टायर 1 है आपका क्या केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा, और टायर 2 प्रोविजनल के लिए, ठीक है दोस्तों। टायर 1 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए हैं, तो टायर 1 में एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी शॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहला जो टायर 1 है उसमें आपके जो क्वेश्चंस आने हैं 150 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम, यानी कि एक क्वेश्चंस एक नंबर का होगा, और उसका जो आपका टाइम है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। टायर 1 है तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर आपके कौन कौन से पार्ट इसमें आने वाले हैं, तो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल साइंस। तो ये आपके 5 टॉपिक हो गए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका टायर 1। और टायर 2 की बात की जाए तो जो कि आपका प्रोविजनल सिलेक्शन बेसिस का होगा और आपकी ब्रांच वाइज होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपका इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ये आपका जो भी आपकी जो टेक्निकल ब्रांच होगी उससे आपके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल, 100 नंबर के, और टाइम होगा आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, बात की जाए टायर 1 के बारे में, तो जो टायर 1 है इसमें आपको 40% यानी कि OBC और अनरिजर्व वालों को 40% मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है। जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 40% रखे गए हैं, साथ ही 35% है SC ST वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो 40% किसके लिए हैं, जनरल एंड OBC वालों के लिए, और 35 है SC एंड ST वालों के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टायर 1 में, यानी कि आपके 1:10 में, यानी कि 1:10 स्टूडेंट को आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पर, अगर मान लीजिए कहीं पर 100 वैकेंसी हैं, तो वहाँ पर टायर 1 में 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका टायर 1 का। उसके बाद टायर 2 में भी दोस्तों यही कंपलसरी किया गया है, मिनिमम 40% अनरिजर्व्ड एंड OBC के लिए, और 35% SC एंड ST के लिए मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस PDF का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख सकते हो और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन। ये दोस्तों इसका DRDO का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप पूरा इसको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। तो जनरल एप्टीट्यूड क्या नहीं, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो इन सारे टॉपिक्स होंगे। तो आप देख लीजिए, टाइम डिस्टेंस एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, SCF LCM, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब देखते हैं रीजनिंग का। तो दोस्तों जो रीजनिंग के वो हैं,
नॉर्मल सीरीज, क्लॉक कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब डाइस, मिरर इमेज, नंबर रैंकिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, टाइम डिस्टेंस एंड एम्बेडेड फिगर ETC। तो दोस्तों ये होंगे आपके रीजनिंग के। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर हम बात की जाए इसके सिलेबस के बारे में, तो DRDO ने ऑफिशियल इसका सिलेबस नहीं जारी किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको हम इसका इंपॉर्टेंट सिलेबस बता रहे हैं कि इनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस में इनसे रिलेटेड सारा कुछ पढ़ना है, यानी कि जितने भी आपको 6 मंथ की करंट अफेयर्स है वो सारी आपको याद करनी है। 6 मंथ, जितना से जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं, 6 मंथ करिए, 8 मंथ करिए, 1 साल करिए, आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। और इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में ये वाले टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सिनोनियम एंटोनियम्स, फ्रेज एंड कन्वर्सेशन, वोकैब एंड ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका इंग्लिश पोर्शन। अब देखते हैं इसका जनरल साइंस का। तो जो उसका जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप मैकेनिकल का सिलेबस देख सकते हैं। जो लोग मैकेनिकल के हैं वो इन टॉपिक्स को देख लीजिए। सिविल की बात की जाए तो दोस्तों सिविल के ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, आप इनको कवर ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे दिए गए हैं, एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। बाकी दोस्तों इसका आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।